मेरे यहाँ देख रहे हैं ये कोस्कोम, मुर्गा कलगी और सिलोसिया। सिलोसिया थोड़ा सा लंबाई में चला जाता है, पर ये मुर्गा कलगी जो है ये बिल्कुल मुर्गे की कलगी की तरह होता है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आप देख रहे हैं, पर मेरे यहाँ ये गर्मी का प्लांट है, समर का प्लांट है, पर फिर भी मेरे यहाँ इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की हुई है, आप ये देखेंगे। और इसके मैं सीड दिखाती हूँ, ये इस टाइम बिल्कुल सीड से भरा हुआ है, ये आप देखेंगे इस जगह पे इसके सीड भरे हुए हैं बिल्कुल। तो इसकी मैं आपको सीडलिंग भी करके दिखाऊंगी और साथ की साथ इसके प्रेपरेशन की आप किस तरह से इसको पूरा साल अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। और एक मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये सिलोसिया, इसकी ये पहचान है कि ये सिलोसिया और ये मुर्गा कलगी, जिसकी मुर्गे की तरह कलगी है, ये मुर्गा कलगी है और ये सिलोसिया। और इनके सीड बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, आप ये देखेंगे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं, और अगर यहाँ पे कच्ची ज़मीन होती जैसे हमारे खेत में उग चुके हैं तो वो साथ के साथ प्लांट्स बनते रहते हैं। तो मैंने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि इनका क्या सीजन है, पर हमारे माली ने बताया कि ये समर का प्लांट है, तो मेरे यहाँ हर टाइम जो 12 महीने ये फ्लावरिंग देते हैं। तो अब मैं आपको इसके सीड निकालना भी बताऊंगी और साथ में सीड को ग्रो करना भी दिखाऊंगी, और इसके साथ क्या सॉयल हमने यूज़ करनी है और कैसा हमने इनको वाटरिंग करनी है और धूप कैसी देनी है, वो मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सिलोसिया के प्लांट की कटिंग करके। ये सीड है, बहुत बारीक सीड है सिलोसिया और मुर्गा कलगी के। अब मैं आपको इसकी जो हम सॉइल लेंगे मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं कि ताकि आपको आसानी हो कि हमने कौन सी सॉइल ली है। 25% मैंने गार्डन सॉइल ली है और 25% ही मैं काउडंक लूँगी, ताकि हमारे जो सीड्स को भी है अच्छा न्यूट्रिशन मिले। और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट 20% के करीब लिया और थोड़ा सा मैं मस्टर्ड केक और ये एग शेल के टुकड़े लूँगी, और साथ के साथ ये मेरे पास वुड डस्ट है, वुड डस्ट को मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सीड्स के साथ अपने पोट में स्प्रिंकल किया है इनको वुड डस्ट के साथ। और वुड डस्ट भी मैं इस सॉइल में डाल दूंगी और मिक्स करने के बाद हम पोट भर लेंगे। आप ये देखेंगे कि सीड बहुत हमारे बारीक बारीक सीड हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा वुड डस्ट ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हैं, जैसे अभी हमने ब्रोकली लगाई थी तो ब्रोकली के सीड भी बहुत बारीक थे, तो उसको भी हमने ऐसे मिक्स करके अपनी जगह पे स्प्रिंकल किया था, ताकि एक जगह पे हमारी जो ये सीड है बारीक सीड इकट्ठे ना हो जाएं। अब सॉइल को थोड़ा सा नरम कर लें, ताकि जो हमने पानी डाला था तो वो थोड़ी सी जम सी गई थी हमारी सॉइल, तो उसके बाद हम ये जो सीड है ये इसको इस तरह से आप सीड्स को स्प्रिंकल कर दें। मैंने भी कई पॉट्स में इनको स्प्रिंकल किया है ताकि हमारे अच्छी जर्मिनेशन हो और मैं अच्छे प्लांट्स लगा सकूं। तो जब इनकी जर्मिनेशन होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी कितने दिन बाद जर्मिनेशन होती है। ये 11 डेज की आप देख रहे हैं सीडलिंग हो चुकी है, शुरुआत है, और काफ़ी सारे सीड फूट गए हैं और काफ़ी फूट रहे हैं अभी, क्यों बारीक सीड थे, और ये बहुत सारे प्लांट हमारे बन जाएंगे। और इनको हम जब ये तकरीबन 3-4 इंच के हो जाएंगे तब हम इनको ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे पॉट में लगा देंगे। आप एक एक प्लांट करके लगा लें। ये मेरी 2 मंथ्स की आप देख रहे हैं अपडेट है, और बहुत अच्छी मुर्गा कलगी ने
फ्लावरिंग की हुई है, सभी फ्लावर बहुत अच्छे खिले हुए हैं। और सर्दी का पूरा मंथ है इस टाइम, दिसंबर मिड चला गया तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। अब आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे टिप्स देती हूँ कि जो ये फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं तो ये हाई फीडर प्लांट्स बन जाते हैं, चाहे वो हार्डी प्लांट है पर उनको फीड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इसके लिए आप 15 दिन के बाद इनको अच्छी फीड दें। फीड में मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसी इनको फीड दे सकते हैं। जैसे मैंने ये एक्शल के टुकड़े पाउडर बना लिया, और ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट खाद है जिसको मैं इसमें 1:1 मैं इसकी रखूँगी, 1:1 मैं इसकी वर्मी कंपोस्ट की रखूँगी। और इन प्लांट्स को पोटाश की ज़रूरत होती है, आप पोटाश ले सकते हैं अपने गार्डन शॉप में ले सकते हैं अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं, पर मैं हमेशा पोटाश की जगह वुड ऐश का यूज़ करती हूँ। और एक हिस्सा मैं इसमें वुड ऐश यूज़ करूँगी। उसको मिक्स करने के बाद हमारी ये बहुत अच्छी एक प्लांट्स के लिए खुराक बन जाएगी जो मैं अपने सभी प्लांट्स को दूंगी। आप एक चुटकी के हिसाब से सभी प्लांट्स में इनको दे दें। से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर आऊँगी। थैंक्स।